सब तो पहला गल करांगे लंगर प्रबंध दे विच लगे ठगी दे इल्जामां दी। श्री दरबार साहब दे लंगर प्रबंध दे विच ठगी दे इल्जाम लगे ने। झूठ ते सुक्कियां रोटियां दे ठेके दे विच करोड़ां रुपए की ठगी करन दे इल्जाम ने। करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी का इल्जाम लगा है। एजीपीसी दे फ्लाइंग विभाग की जांच दे विच एक खुलासा होया, दो स्टोर कीपरां नूं मुअत्तल कर दिता गया। पैसे वसूलण दे जिहड़े हुक्म ही दिते गए ने, मैनेजर सुपरवाइजर इंस्पैक्टर भी जिम्मेवार ठहराए गए ने। मौजूदा मुख्य मैनेजर समेत 3 सबका मैनेजरों का नाम पड़ताल हले भी जारी है। पैसे की वसूली बाकी है। अप्रैल 2019 तो दिसंबर 2022 तक के ठेके दे दरअसल ये ठगी हुई है। तो सीधे तौर पर श्री दरबार साहब के जो लंगर प्रबंध किया जाता, लंगर का प्रबंध किया जाता, उस ठगी के इल्जाम लगे ने कि झूठ से सुक्कियां रोटियां के ठेके दे 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। सीधे तौर पर इल्जाम ने। एजीपीसी के फ्लाइंग विभाग की जांच के वड्डा खुलासा है। इस तो बाद एक्शन भी होया। एक्शन यह होया कि दो स्टोर कीपरों को मुअत्तल कर दिया गया है ते उन्हां तो पैसे वसूलण के हुक्म दिए गए ने। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जिथे हर रोज लखां दी गिणती च श्रद्धालु नतमस्तक होण आउंदे ने अते इसे लंगर हाल चों कोई भी भुखा वापिस नहीं जांदा। दुनिया दा इको इक लंगर हाल जिथे 24 घंटे लंगर वरताया जांदा है, कोई भुखा नहीं सौंदा अते इसे चर्चे दुनिया भर च ने। पर हुण एचपीसी दी फ्लाइंग टीम वल्लों जो खुलासे किए गए ने उह हैरान कर देण वाले ने। दरअसल दरबार साहिब दे लंगर दे प्रबंध च 1 करोड़ की ठगी दे इल्जाम लग रहे ने। खुलासा एसजीपीसी की फ्लाइंग टीम की जांच होया है। दरअसल यह पूरा मामला अप्रैल 2019 तो दसंबर 2022 तक दा है। लंगर हाल चो बचियां सुक्कियां रोटियां, माहां दी दाल, झोने अते होर वस्तां ते ठेके च हेराफेरी सामने आई है। 62 लाख रुपए की हेराफेरी तो पड़ताल शुरू हुई जो जांच दौरान 1 करोड़ तक पहुंच गई है। जदों जांच हुई तो पहला स्टोर कीपरां का नाम आया। एसजीपीसी के फ्लाइंग विभाग की टीम ने दो स्टोर कीपरां नूं मुअत्तल करके लखां रुपए वसूलण के हुक्म दिते, पर स्टोर कीपरां ने अजिहा ना किया। 1.5 दर्जन के करीब मैनेजर, स्टोर कीपर, सुपरवाइजर, इंस्पैक्टर घुटाले लिए जिम्मेवार ठहराए गए ने। मौजूदा मैनेजर सने 3 सेवा मुक्त मैनेजर का भी नाम सामने आया है, हालांकि वह अपने आप नूं निर्दोष दस रहे ने। जिदा असीं भावें वो कोई कसूरवार हैगा चाहे नहीं है, क्योंकि असीं जिहड़ा उहदी जिम्मेवारी बनदी सी, जिन्हें जिम्मेवारी नहीं निभाई असीं उहनां कोलों पैसे रिकवर कर रहे हैं। इस 'च हेराफेरी की कोई गलबात ही आ कि किन्ने हेराफेरी की है किन्ने नहीं, उहदी उह बंदे सस्पेंड ने। तो जिहड़े मैनेजर जां कोई स्टोर कीपर चाहे किसी इंस्पैक्टर ने अणगहली वरती है, असीं उहनां कोलों इह रिकवरी कर रहे हैं। तां दरबार साहिब 'च कपड़ा होना चिंता का विषय। इस मामले की पड़ताल जारी है अते सवाल ठगी वाली रकम की वसूली ते खड़ा हो गया। अमृतसर तो राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब।